आई एम एलपी राकेश, वेलकम टू अनदर वीडियो अनदर डे। आज का दो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला टॉपिक रहेगा कि एलपी की जो वैकेंसी आने वाली है वो 2018 से वैकेंसी के कंपेरेबल में क्या इस बार ज़्यादा होगी, और दूसरा मैं टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि जो भी डिप्लोमा किए हुए हैं क्या वो टेक्नीशियन बन सकते हैं क्या, तो इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो इसे शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक ये रहेगा कि एलपी की जो वैकेंसी आने वाली है 2018 के कंपेरेबल में 2022 या 23 में जब भी वैकेंसी आएगी तो उसके कंपेरेबल में क्या ज़्यादा आने वाली है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ अभी बात करूंगा। 2018 में जब वैकेंसी आई थी तब टोटल वैकेंसी 26,000 कुछ वैकेंसी आई थी, तो उसमें टोटल एलपी की वैकेंसी 17,000 कुछ वैकेंसी थी और टेक्नीशियन की 8,000 कुछ वैकेंसी आई थी। तो इस 2018 में जो वैकेंसी आई थी एलपी टेक्नीशियन की वो टोटल 26,000 कुछ थी, तो उसके कंपेरेबल में फिर बाद में वैकेंसी को बढ़ा दिया गया था कुछ महीने बाद, तो उसको बढ़ा करके 64,000 कुछ कर दिया गया था। तो काफ़ी सीट का काफ़ी इंक्रीमेंट हो गया था वैकेंसी में देखने को मिला था एलपी और टेक्नीशियन में। जो पहले एलपी की वैकेंसी 17,000 थी उसे बढ़ाकर 27,000 कुछ कर दिया गया था, और जो पहले 8,000 वैकेंसी थी टेक्नीशियन में उसको बढ़ाकर 36,000 कर दिया गया था कुछ। तो फ्रेंड्स, 2018 में इतने सारे वैकेंसी मतलब बढ़ा दिए गए थे जो भी एलपी और टेक्नीशियन के आए थे। पहले वैकेंसी कम आई थी फिर बाद में इसको बढ़ा दिया गया था, तो वैकेंसी बढ़ने से हम लोगों को ये फ़ायदा हुआ था कि हम लोग इसमें अच्छे से तैयारी करके और वैकेंसी बढ़ने के कारण काफ़ी सीट बढ़ गए थे हर बोर्ड में, तो इससे हम लोगों को बेनिफिट हो गया था कि हम लोग मतलब ज़्यादा सीट में फाइट कर सकते हैं और आराम से क्रैक कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को, तो इससे हम लोगों को ये फ़ायदा हुआ था। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इसमें सिर्फ टेक्निकल डिग्री वाले स्टूडेंट इसमें फाइट करते हैं, क्योंकि एलपी और टेक्नीशियन एक टेक्निकल जॉब है, तो इसमें वैकेंसी अगर ज़्यादा आ जाने से ये फ़ायदा हो जाता है कि इसमें टेक्निकल वाले बंदे लिमिटेड रहते हैं और इसमें फाइट करना इजीली हो जाता है, तो आप लोग के लिए एक बेनिफिट हो जाता है कि आप लोग आराम से जो भी टेक्निकल वाले बंदे हैं अगर वो टेक्निकल सेक्शन अच्छा से पढ़ ले और नॉन टेक्निकल को भी कमांड कर ले, जैसे मैथ रीजनिंग को अच्छा से पढ़ ले और करंट अफेयर जनरल साइंस और जनरल नॉलेज को ऊपर भी फोकस करके पढ़ते रहे, अभी से तैयारी करते रहे, तो आप लोग इजीली क्रैक कर लेंगे इस एग्ज़ाम को। फ्रेंड्स, अब वैकेंसी कितने आएगा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है आगे, क्योंकि वैकेंसी बढ़ती भी है और आप देख चुके हैं 2018 वाले नोटिफिकेशन में कि वैकेंसी को बढ़ा दिया गया था, तो वैकेंसी मान कोई भी लगा नहीं सकता है पूरा कन्फर्म। एक सब पिछले वाले 2018 को लेकर ही मैं इस वीडियो में आपको डिटेल रिव्यू दे रहा हूँ कि वैकेंसी मतलब कितने आने के चांसेस है और कितने आ सकते हैं। तो देखिए, वैकेंसी तो हर बार अच्छा ही आया है एलपी टेक्नीशियन में, तो आप लोग इस वाले जो भी अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है उसमें फोकस रहिए अभी से, क्योंकि वैकेंसी कभी भी आएगी तो मैं भी शायद जल्दी एग्जाम ले अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरी ज्वाइनिंग भी जल्दी हो गई थी, एक साल में सारा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया गया था एलपी टेक्नीशियन का, तो इसमें शायद फ्यूचर में भी जल्दी सारे एग्जाम ले, तो आप लोग अभी से प्रिपरेशन करते रहिए। और मेरा इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ क्योंकि मेरे चैनल में सब्सक्राइबर 661 कंप्लीट हो चुके हैं, और आगे भी आप लोग अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और लाइक और शेयर करते रहे, तो जल्दी चैनल 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने भाई को सपोर्ट करें ताकि जल्दी से 1 के सब्सक्राइबर पूरा हो जाए, इससे मोटिवेशन मुझे मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा कि मेरा तैयारी मैंने कैसे किया था, और क्वेश्चन भी शेयर करूंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है।
तो जल्दी शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो टॉपिक यह है कि डिप्लोमा होल्डर वाले क्या टेक्नीशियन बन सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल टेक्नीशियन बन सकते हैं डिप्लोमा होल्डर वाले, क्योंकि इसमें कुछ पोस्ट उन लोगों के लिए भी आया है, लेकिन उसका एक कंडीशन है कि आप लोग मैट्रिकुलेशन के बाद 10+2 मैथ और साइंस से ही कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप टेक्नीशियन बन सकते हैं। क्योंकि डिप्लोमा होल्डर वाले सिर्फ ALP के लिए एलिजिबल है थे, मतलब 2018 के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ। उसमें आप लोगों को 10+2 मैथ और फिजिक्स से कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप टेक्नीशियन बन पाएंगे डिप्लोमा होल्डर वाले, क्योंकि इसमें लिमिटेड सीट रहती है, इसमें ज़्यादा सीट नहीं निकलती है, क्योंकि ये 10+2 लेवल के होते हैं और इसमें कटअप भी ज़्यादा देखने को मिला था 2018 में, तो इसमें कम सीट रहती है, इसके वजह से इसमें कटअप हाई चला जाता है। तो डिप्लोमा होल्डर वाले टेक्नीशियन भी बन सकते हैं, अगर उनका अच्छा तैयारी रहा तो टेक्नीशियन में भी फाइट कर पा लेंगे इजली, और ALP के लिए तो उनके लिए है ये एलिजिबल हो। तो आप लोग डिप्लोमा जो भी कर रहे हैं उनके लिए दो ऑप्शन यहाँ पे रह जाता है, एक टेक्नीशियन भी और एक ALP भी। तो आप लोग अपना तैयारी करते रहिए पूरे अच्छे से, और डिप्लोमा होल्डर वाले के लिए इस 2018 में दो पोस्ट आई थी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल के डिपार्टमेंट से और टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई थी। ये दो पोस्ट में देखने को मिला था वैकेंसी। तो 2022 या 23 में वैकेंसी अगर आती भी है तो डिप्लोमा होल्डर वाले इसमें भी फाइट कर लेंगे टेक्नीशियन में, और लेकिन लिमिटेड सीट रहेगी इसमें। तो डिप्लोमा होल्डर वाले आप लोग जो भी है अपना तैयारी करते रहिए और अपना 100% दे, ताकि वैकेंसी जब भी आए आप लोग इजली क्रैक कर ले। चैनल में जो भी भाई कमेंट कर रहे हैं, कुछ में कमेंट कान से, एक भाई ने पूछा था कि ALP के वेटिंग लिस्ट क्या क्लियर किया जा रहा है। तो हाँ, क्लियर तो किया जा रहा है, बहुत बोर्ड क्लियर किया है, अभी रिसेंटली मुंबई बोर्ड ने क्लियर किया है, तो सब जितने सारे बोर्ड है वेटिंग लिस्ट को भी क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लड़के का अदर डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम निकल जा रहा है, तो उन लोग जॉब को छोड़ के चले जा रहे हैं, तो उस वैकेंट सीट को भरने के लिए वेटिंग लिस्ट को भी क्लियर किया जा रहा है बहुत सारे बोर्ड। और बस ये दो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस आज करना चाहता था। तो आप लोगों को कुछ भी क्वेरी अगर होती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और मेरा मेल आईडी दिया गया है उसमें कमेंट करिएगा, और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने भाई के चैनल को, और जल्दी से मान के पहुँचाइए, और अगर अच्छा नहीं भी लगा तब भी आप लोग कमेंट करिए, मैं उस पर काम करूँगा और अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।